जय माता दी। दर्शकों, नवरात्र में पड़ने वाला सोमवार विशेष माना गया है, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव का माना गया है और शिव के रूप में ही माता अर्धांगिनी समाई हुई हैं, मतलब कि भोलेनाथ में ही माता पार्वती भी समाई हुई हैं, वे इनकी अर्धांगिनी हैं। और साथ में भोलेनाथ की पूजन कर लिया जाए तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। माता के नौ रूपों के अलावा भी कई ऐसे रूप हैं जो नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में भी आते हैं। चैत्र नवरात्रि, ऐसे तो साल में चार नवरात्रि आती हैं, चारों नवरात्रियों में माँ के अनेकों रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र में जब सोमवार पड़ता है तो माताओं के साथ में भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। और आज हम भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ एक उपाय बताने वाले हैं, जिसे करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे, आपको मनचाहा वरदान प्राप्त होगा, यही आपको इससे और भी लाभ मिलने वाले हैं। यदि आपके पारिवारिक जीवन में समस्या है, लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर आप कोई कार्य करने जाते हैं लेकिन कार्य सफल नहीं हो पाता है, कई ऐसी अड़चनें आ जाती हैं, जो कि आपके विवाह संबंधी में भी अड़चनें ऐसी आती हैं, और कुछ खास उपाय कर लिए जाएँ तो ये अड़चनें काफ़ी आपको फ़ायदा देंगी, क्योंकि सोमवार भगवान शिव का माना जाता है और भगवान भोलेनाथ का व्रत सोमवार के लिए कुंवारी कन्याएँ भी रखती हैं, ताकि अच्छा वर की प्राप्ति हो सके। तो आज हम ऐसा ही छोटा सा उपाय बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक तांबे का कलश ले लेना है, उसमें आपको गंगा जल और शुद्ध जल मिला करके जल तैयार करना है। उसके बाद उसमें एक चुटकी काली तिल डाल लें और थोड़ा सा उसमें शहद डालना है। शहद नहीं हो तो आप उसकी जगह पे मिश्री भी डाल सकते हैं, मिश्री भी नहीं हो तो आप एक बतासा डाल लें या चीनी डाल लें। उस जल को हमें मीठा करना है, इस बात का ध्यान रखें। और उस जल में आप एक बेलपत्र डालें और एक शमी पत्र डालें, और आप किसी भी भोलेनाथ शिवलिंग के मंदिर में चले जाएँ जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो। यदि आपके घर में भी शिवलिंग है, आप घर में पूजा करते हैं शिव जी की, तो आप यह उपाय घर में ही करें, यह ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। नवरात्र के सोमवार में आप सुबह स्नान करके, सुबह सुबह ये कार्य करना है आपको, तो सबसे पहले स्नान वगैरह करने के बाद में आप भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें, उन्हें पंचामृत से भी अभिषेक हो सके तो कर लें, या फिर आप इस जल से अभिषेक करें और बेलपत्र और शमी पत्र को निकाल करके भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें। यदि इस बीच में आपको धतूरे का फूल मिल जाता है और धतूरे का फल मिल जाता है तो वो अति उत्तम माना गया है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को वो अर्पित कर दिया जाए तो सभी देवियाँ भी भगवान भोलेनाथ के साथ खुश होती हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का संपूर्ण परिवार समाया हुआ है। और भगवान भोलेनाथ पर अगर आप ये सारी चीज़ें समर्पित करते हैं तो महाकाल और महाकाली दोनों ही प्रसन्न होंगे, और उनके साथ साथ आपको अच्छा वर की प्राप्ति भी होगी। आपके जीवन में जो भी समस्याएँ चल रही हैं सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी, आपकी मनवांछित इच्छा भी पूरी होगी। तो दर्शकों, ऐसे ही कई उपाय हैं जो नवरात्रि दशहरा से रिलेटेड हमने डाले हुए हैं। हमारे चैनल पर आपकी जो भी परेशानी है और भी कई उपाय हैं उन्हें भी देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि उन्हें भी इन उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त हो और वे भी अधिक से अधिक अपने जो भी समस्या का समाधान निकाल पाएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भी लोगों को भेजिए, ताकि उन्हें भी इनका फायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता जी। श्री श्रीवाय नमस्तभ्यम।